और एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी इस वाक्य सभा में जोरदार तालियां हो जाए देवी सज्जन घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति स्वागत और बोधन के लिए मुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ मेरे प्रमुख घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के मेरी प्रिय बहनों को राखी की शुभकामनाएं मेरे भाइयों और भांजे भांजियों सबसे पहले मामा दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता है आप सबको नमस्कार करता है। कल जन्माष्टमी थी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आज आप सीएम हाउस में पधारे हैं। मैं आप सबका यह हृदय से स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम हाउस आपके लिए जनता ही का है। बार बड़ी आफत हुई कोरोना में चौथी बार मुख्यमंत्री बना इच्छा बहुत थी कि बीच बीच में आपसे बात करूं मिलूं लेकिन कोरोना में लोग आ नहीं सकते पंचायतें कर नहीं सकते आपको बुला नहीं सकते लेकिन कोरोना पे नियंत्रण होने के बाद पहली अगर सीएम हाउस में कोई पंचायत हुई है तो हमारी घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की पंचायत हुई है। आप पधारे मेरा सौभाग्य है। अपने अपनों के घर आए मेरे बहनों और भाइयों आपकी अपनी परंपरा और इतिहास रहा। अंग्रेजों ने कह दिया क्रिमिनल ट्राइब्स हमारे स्वाभिमान पर चोट है हमारे समाज में कई संत हुए कई क्रांतिकारी हुए जो उनका अपमान था लेकिन 1952 में उस काले कानून को रद्द किया गया और आप सबको इस क्रिमिनल ट्राइब से आजादी मिली। आज के दिन 31 अगस्त के दिन और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर 31 अगस्त का दिन आपके विमुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मैं आपका स्वागत करता हूं उनका स्वागत जो विकास के दौर में पिछड़ गए उनका स्वागत जो आज भी गरीबी और असमानता का दंश झेल रहे हैं उनका स्वागत जिनको ऐतिहासिक रूप से समानता का दर्जा नहीं मिला है उनका स्वागत कि जिन्होंने देश धर्म और संस्कृति बचाने की अपनी पहचान मिटा दी थी अपनी पहचान समाप्त कर दी थी ऐसे संकल्प ले लिए एक जगह रह गए नहीं और संकल्पों का कारण भी था देश और धर्म की रक्षा। मैं आपकी तपस्या को प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों आर्थिक सशक्तिकरण उसके बिना काम होता नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3 चीजें करेंगे अपन। नंबर 1 सरकारी भर्तियां होगी आने वाले कुछ ही महीनों में 1,00,000 सरकारी भर्तियां की जाएगी। जो बच्चे भाग लेंगे उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए यथासंभव इसकी हम कोशिश करेंगे। नंबर 2 एक योजना
स्वरोजगार की योजना, जो अपना काम धंधा करना चाहते उसके लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के नहीं होता। तो मैं घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों के लिए एक स्वरोजगार की योजना बनाएंगे, जिसमें उनको रोजगार के लिए बैंक लोन देगा और उसका ब्याज मामा भरवाएगा, ताकि ब्याज बोझ ना बन जाए। और तीसरी चीज, हम कलाकार भी हैं, हाथों में कौशल कला है, अगर ठीक दिशा में उस कला को मौका मिल जाए तो हमारे हाथ चमत्कार कर सकते हैं। इलाज की बात, आयुष्मान कार्ड बनने का अभियान चल रहा है, एक बार फिर से सर्वे हो जाए, जिनके आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बने हैं उन सबके आयुष्मान के कार्ड बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी निःशुल्क किया जाएगा। जिंदगी बदलनी है, पिछड़े नहीं रहना है, समाज की बराबरी में चलना है, प्रदेश और देश की प्रगति और विकास में योगदान देना है, और इसके लिए जो हर संभव सहयोग जरूरी है वो मध्य प्रदेश की सरकार वो आपको देगी, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर इस पंचायत में आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।